नीमच में वेतन श्रेणी निर्धारण और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं प्रदेश भर में सहकारी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। वहीं कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है। ज्ञात हो कि प्रदेश की 4526 सहकारी समितियों के 55,000 कर्मचारी वेतन श्रेणी और सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। प्रदेश में 4526 सहकारी संस्थाएं हैं। ये सभी सहकारी संस्थाएं आज की तारीख में बंद है, क्योंकि हमारी जो मुख्य मांग है वो शासकीय कर्मचारियों का दर्जा देना एवं वेतनमान का निर्धारण करना। इस समय पीडीएस की दुकानों से जो अनाज गरीबों को दिया जाता है वो भी नहीं दिया जा रहा है, इसका हमें खेद है। पंजीयन नहीं हो रहा इसका भी हमें खेद है, परंतु हम क्या करें, हमारा वेतन बहुत कम है और हम लोगों पर ऊपर से दबाव भी आ रहा है। मिला करके हम हमारा वेतन का निर्धारण हो, वेतन श्रेणी का निर्धारण हो, और जब तक ये नहीं होगा तब तक मध्य प्रदेश की 4526 सोसाइटियों में 55,000 कर्मचारी हड़ताल पे रहेंगे। नीमच में अमृत योजना की पाइपलाइन को छलनी किया जा रहा है। वहीं कनेक्शन कराने का कार्य निजी प्लम्बर से कराया जा रहा है। वहीं मौलाना आजाद कॉलोनी प्लम्बर मुकेश रेंगर ने अवैध कनेक्शन किया है, जिसके चलते सूचना पर कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी रिश्वत लेकर कई अवैध कनेक्शन करा चुका है। आजाद कॉलोनी में मुकेश रेगर नाम के व्यक्ति को अवैध कनेक्शन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसके द्वारा बिहारगंज मौलाना आजाद कॉलोनी में जगह जगह अमृत की जो पाइपलाइन है हमारी शासकीय लाइन है उसके ऊपर 1 इंची कनेक्शन करके लाइन को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिससे कि पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है और वहाँ के रहवासी पानी की समस्या से बहुत समय से लंबे समय से हो रही है, क्योंकि इसके द्वारा जो कनेक्शन किए गए इनमें जहाँ कनेक्शन किए गए 1 इंची वहाँ अच्छा प्रोसेस जा रहा है, और जहाँ नगर पालिका ने वेस्ट कनेक्शन कर रखे वहाँ पानी सप्लाई नहीं पहुँच पा रही थी। आज इसके द्वारा इसको रंगे हाथों पकड़ा है, उसके आवेदन दिया है हमने यहाँ पे कैंट थाने में।